सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीके बेदारी के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर इमैनुअल आदिल गोरी, सूबाई सदर शहजाद इमरान सोत्रा, सिलाई रहनमा शहराम सोत्रा और लाल जान ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला और वाफ फैक्ट्री का तंजीमी दौरा किया। इस दौरान वाफ फैक्ट्री में शाहिद गुजर की फायरिंग से जख्मी होने वाले मसीही नौजवानों की इयादत भी की और हर मुमकिन कानूनी अमदाद की यकीन दहानी करवाई। तंजीमी दौरा के दौरान मुख्तलिफ मसीही सियासी समाजी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान तबादला ख्यालात करते हुए डॉक्टर आदिल गोरी ने कहा है कि मसीहियों को अपनी सियासी बका के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने यूनियन कौंसिल से कौमी सतह तक तंजीम साजी का आगाज कर दिया है। लोगों की दिलचस्पी देख कर मालूम होता है कि मसीही तहरीक बेदारी जल्द पाकिस्तान की मसीहियों की नुमाइंदा जमात बनेगी।